करना है सूरत में। क्रांति समय दैनिक पेपर के प्रमुख संपादक जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने दैनिक क्रांति समय दैनिक पेपर की इन्होंने ऑफिस की ओपनिंग किया है, इनसे हम खास मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहले समय इसमें आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर, आपने ये जो क्रांति समय दैनिक पेपर ऑफिस इसकी शुरुआत कब आपने? इसकी शुरुआत मैंने 2016 में किया हुआ था और दो साल मैंने इनका खाली एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, और जब एडवर्टाइजमेंट पूरा हो गया मार्केट के अंदर में, तब मैंने इसका मतलब बाकायदे, अभी दो साल से मेरा ऑफिस था ही, लेकिन आज यहाँ पे उतना विस्तार के अंदर मैंने नई ऑफिस का उद्घाटन करके लोगों के बीच में लोगों की समस्याएं जो हैं वो सबके सामने आ सके, इस तरह का हमारा प्रयास है। आपका क्रांति समय दैनिक पेपर के माध्यम से आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? समाज के अंदर जो भी बुराइयाँ हैं, जो भी तकलीफें हैं लोगों की, वो सब हमारे पेपर के माध्यम से हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं, और वो बुराइयाँ और वो समस्याएँ सबका खत्म हो जाए, किसी को तकलीफ ना हो, वो हमारा प्रयास है। और कुछ विजन है आपका आने वाले समय में, आपका विस्तार करना? विस्तार तो हमारा ऐसे प्लानिंग है, गुजरात तो है ही, और सोशल मीडिया में भी हम पूरा कवर किए हुए हैं, और जहाँ तक पहुँच सकते हैं हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी बोलिए। हाँ, मैं सुनील चतुर्वेदी, पत्रकार क्रांति समय। विगत कई वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया अपनी अहम भूमिका निभाती आई रही है। स्वतंत्रता के बाद से मीडिया ने क्या क्या काम किया है ये सर्वविदित है, लेकिन आज के समय में मीडिया अपने राह से भटक गई है। आज पत्रकारिता एक मिशन नहीं, कमीशन के तौर पे देखा जा रहा है। जो जितनी कमाई करता है वो उतना बड़ा पत्रकार कहलाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि भाई, अपने उद्देश्य से ना भटके। धन तो आता और जाता रहता है, धन के पीछे अपने उद्देश्य से विमुख ना हो, और जिस कार्य के लिए हम इस जगत में आए हैं उस कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरी करें। क्रांति समय अखबार जो है ये छोटे छोटे मुद्दाओं को लेकर के आवाज़ उठाता रहा है, खास करके जो श्रमजीवी वर्ग हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाना और उनके समस्याओं का निराकरण कराना हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ सूरत नगरी जो कि एक लघु भारत के रूप में विकसित हो रही है, इसमें लगभग भारत के सभी राज्यों के लोग रहते हैं, और एक लघु भारत के रूप में यहाँ के सभी प्रदेशों की संस्कृति, भाषा, पहनावा, खान पान और रहन सहन है, और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी प्रांत के सांस्कृतिक विरासत को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, ताकि एक दूसरे को लोग समझ सकें, और एक दूसरे के साथ, जब तक हम एक दूसरे को समझते नहीं तब तक हम उनके नज़दीक नहीं आ सकते। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता जगत में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपने मूल उद्देश्य से न भटके और निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। धन्यवाद। मैं रोहतास यादव, क्रांति समय न्यूज़पेपर के संपादक श्री सुरेश कुमार मौर्य जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। उदना नमाज में हो रही कुरीतियों को क्रांति समय न्यूज़पेपर प्रशासन तक इसी तरह पहुँचाता रहे, हमारी यही शुभेच्छा है। समय क्रांति के आज सुरेश मौर्य जी ने नए ऑफिस का शुभारंभ किया है, इसके लिए इनको खूब खूब बधाई। ये लोग अपनी और जनता की, मजदूरों की, सबकी जो समस्याएं हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, इसके अलावा जो सरकारी अफसरों का और का भ्रष्टाचार है, उसको ये पेपर के माध्यम से लोगों को, प्रशासन तक उसको पहुंचाते हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद।